ओके, तो आज का हमारा पहला चीट कोड है जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। बाकी यार आगे चलते हैं, थोड़ा चीट कोड्स यहाँ पे डायल करते हैं। बाकी छोटे से शुरुआत करते हैं बड़े की तरफ, सारे के सारे चीट कोड्स बताऊंगा। सर अगर आप लोग 300 डायल करते हो तो आपके पास आती है मेरी फेवरेट 1000। हमारा दूसरा चीट कोड है 3 मरतबा 3 दबाओगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी एक सिंपल कार, क्लासिक कार। और अब बारी आती है हमारे तीसरे चीट कोड की, अगर आप यहाँ पर 3 मरतबा 4 दबाते हो तो आपके पास आती है यहाँ पर एक क्लासिक सिंपल कार जो कि जिसका नाम है S11, जो कि मतलब उसी के जैसी ही है लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंट है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर 4000 लिखते हो तो आपके पास आती है एक तगड़ी कार, पोर्शे। तो नेक्स्ट चीट कोड की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है ओडी का 500, अगर आप डालते हो तो आपके पास आती है यहाँ पर ओडी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप यहाँ पर 700 डायल करते हो तो आपके पास आती है लैम्बोर्गिनी V2, और अगर आप 800 डायल करते हो तो आपके पास आती है बुगाटी, जो कि वेरी एक्सपेंसिव कार है यार। सो 900 से हमारे पास आती है एक चाइनीज कार जिसका नाम है क्विंगनेस। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप यहाँ पर 1000 डायल करते हो तो आपके पास यहाँ पर आती है फॉर्च्यूनर, जो और अगर आप यहाँ पर 1001 डायल करते हो तो आपको मिलेगी एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर लेजेंडर के। तो यहाँ पर अगर आप 2000 डायल करते हो तो आपको मिलेगी एक लग्जरी रोल्स रॉयस। 2020 दबाते हो तो आपके पास यहाँ पर आती है एंडीवियर। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ, अब आपके सामने आने वाली एक धमाकेदार कार 2244 डायल करते हो, डायल करते हो तो आपके सामने आती है एक सुप्रा। ओके, तो भाई लोग नेक्स्ट चीट कोड है हमारे पास 3100, अगर आप डायल करते हो तो आपके पास आती है एक सुपर बोलेरो। बाकी 4 मरतबा अगर आप डायल करते हो 3 तो आपके पास आती है लैम्बोर्गिनी, पर अगर आप लोग 4 मरतबा 6 दबाते हो तो आपके पास आती है रेंज रोवर, जो कि एक लग्जरी कार है। 8123 डायल करते हो तो आपके पास आती है मस्टैंग GT, अगर आप 8811 डायल करते हो तो फरारी फर से आ जाएगी। 9090 जिससे आएगी थार। 8880 जिस कोड को मिलाते ही आपके सामने हाजिर होगी एक धमाकेदार हमर। नेक्स्ट चीज है वो जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आप लोगों को बस यहाँ पर 3005 डायल करना है तो आपके पास आ जाएगी निसान GTR। भाई 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 यार क्या ही तगड़ी धमाकेदार अलग ही लेवल की कार है, मतलब क्या कहना है इसका। ओके, तो सारी की सारी बाइकों के चीट कोड मैं तुम लोगों को बताऊंगा छोटे से बड़े की तरफ। तो यार पहला चीट कोड है हमारे पास, अगर आप 4 मरतबा 0 लगाते हो 0000 तो आपके पास आती है प्लेजर। सो अगला चीट कोड है हमारे पास 0015, तो ये डायल करते ही तुम्हारे पास आ जाएगी यामा R15, और अगर आप यहाँ पर 666 डायल करते हो तो तुम्हारे पास आ जाएगी बेनली TNT, और 777 से तुम्हारे पास आएगी डुकैटी डाइवल। ये देखो 888 डायल किए। ओके, तो तुम्हारे पास आएगी यामा FZ10। तो अगला अगर आप यहाँ पर 999 डायल करते हो तुम्हारे पास आएगी यामा VMAX। बाकी अगर आप यहाँ पर 4x1 डायल करते हो तो आपके पास साइकिल आ जाएगी, और अगर आप यहाँ पर 1211 डायल करते हो तो आपके पास आएगी एक सिंपल पल्सर। और अगर आपको दुबई की डेजर्ट सवारी पसंद है तो यार ATV बेस्ट रहेगी, जिसका चीट कोड है 4x2। आपको सिर्फ 4 मरतबा 2 डायल करना है और ATV आपके सामने हाजिर, और 3000 से तुम्हें देखने को मिलेगी हम सब की फेवरेट कावासाकी निंजा H2R। और अब तुम लोगों को देखने को मिलेगी एक न्यू बाइक जिसका चीट कोड है 4050, जिससे तुम लोगों को देखने को मिलेगी अपाची। उसके बाद अगर आपको डर्ट बाइक यानी कि ड्यूक पसंद है तो इसका चीट कोड है 4215। ये तो अब सिर्फ एक ही मॉडल है ड्यूक का, आगे तुम लोगों को और भी देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं एक धमाकेदार बाइक की, 4x4 डायल करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगी कोबरा। ओके, तो इसके बाद 6021 से तुम्हें देखने को मिलेगी एक सुपर स्प्लेंडर 5000, जिसे तुम लोगों को देखने को मिलेगी पल्सर RS 200, और 6000 से तुम्हें देखने को मिलेगी ट्रॉन बाइक। तो ट्रॉन बाइक के बाद नेक्स्ट सेट 7000, जिससे तुम लोगों को देखने को मिलेगी हायाबुसा, और 9000 से एक और स्प्लेंडर। अगर आप 4x9 डायल करते हो तो आपको देखने को मिलेगी बुलेट, और 4x8 डायल करने पर तुम्हें देखने को मिलेगा ड्यूक का एक न्यू मॉडल ड्यूक 1290, और 4x7 डायल करने पर तुम्हें देखने को मिलेगा ड्यूक का तीसरा मॉडल जो कि है ड्यूक 200, और 4x5 डायल करते हो तो आपको घोस्ट बाइक देखने को मिलेगी। ये देखो फुल आग भगोला यार। नेक्स्ट है अपनी यहाँ पर बाइक का चीट कोड 1210 डायल करोगे तो आपके पास आ जाएगी ये KTM। बाकी आप लोग इसे ओल्ड मामूली KTM मत समझना यार, ये थोड़ी बहुत चेंजिंग हो चुकी है, बाकी न्यू बन के आई है बिल्कुल। ये देखो बाकी इसके पीछे नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ। अब अपनी दूसरी धमाकेदार बाइक है तो जिसका चीट कोड है अपने पास 400 से ZX10R। बाकी इस बाइक की लुक पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, और इसके कंट्रोल्स भी एकदम मस्त हो गए। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि पहले वाली बाइक ज़्यादा अच्छी थी कि ये वाली। तो आज की हमारी आखिरी और तीसरी बाइक है 1190 से अपनी KTM आ जाएगी। बाकी ये भी पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है भाई साहब, एकदम न्यू KTM है 1190 से। बाकी इसका कलर देखो भाई तुम लोग। बाकी यार मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस वाली KTM का कलर हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, जैसा कलर है वैसा ही रहेगा।
तो मैं आ चुका हूँ एक बड़ी सी फ्री स्पेस की तरफ, जहाँ पर हम लोग सारे के सारे चीट कोड्स डायल करेंगे। ओके, तो डायल करते हैं आज का हमारा पहला चीट कोड। अगर आप 606 डायल करते हो तो आपके पास आता है एक बड़ा सा फायर ट्रक। ओके, तो इसी के साथ ही नेक्स्ट चीट कोड है अपने पास 01212, जिससे आएगा अपने पास एक ट्रक टी। तो बढ़ते हैं अपने एनिमल चीट कोड की तरफ। तो यार सबसे पहला चीट कोड है अपने पास 200, जिससे आएगा आपका हॉर्स। इसी के साथ ही अगर आप 600 डायल करते हो तो आपके पास आएगा अपना डॉग। डॉग के बाद नेक्स्ट चीट कोड है डायनो का 5050। भाई यार अगर आप यहाँ पर 0 डायल करते हो तो आपके पास आते हैं बहुत सारे गैस टैंक, और आप अगर 00 डायल करते हो तो आपके पास आएगा एक फ्यूल टैंक। ओके, तो नेक्स्ट चीट कोड है अपना नाइट मोड का। अगर आप यहाँ पर 9 डायल करते हो तो यार नाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो डे मोड में जाने के लिए आपको दोबारा से 9 प्रेस करना होगा और आप डे मोड में हाजिर। तो नेक्स्ट है अपना 100। अगर आप 100 डायल करते हो तो आपके पास आएगी एक पुलिस कार, और 101 से आएगी आपके पास एक पुलिस SUV कार। यार ये सब तो हो चुका है, अब नेक्स्ट है अपना मॉन्स्टर ट्रक का चीट कोड। अगर आपको कार्स के चीट कोड मालूम है तो यार वो तो एकदम इजी है। तो कोई भी कार का चीट कोड लगाने से पहले आपको बस उससे पहले 0 लगाना होगा। ये देखो भाई अपनी टार्जन मॉन्स्टर ट्रक में बदल गई। तो अगर तुम लोग 6677 मिलाओगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगी JCB। ओके, तो नेक्स्ट है सामने खड़े प्लेन का चीट कोड। वो डायल करने के लिए आपको बस 3 मरतबा 5 दबाना होगा, आपके सामने प्लेन हाजिर। और अगर आपको प्लेन नहीं हेलीकॉप्टर पसंद है तो उसका चीट कोड है 8000 से हेलीकॉप्टर आ जाएगा। और अगर आपको हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलिट्री का टैंक पसंद है तो उसका चीट कोड है 4040। हाँ गाइस, 4040 डायल करते ही आपके पास आएगा एक दमदार सा टैंक। और अगर आपको उड़ने के लिए जेटपैक पसंद है तो उसका चीट कोड है 320, जिससे आएगा एक सुपर जेटपैक। और अगर आप कहते हो कि यार ये कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाएगा तो उसके लिए मिनी जेटपैक है ना, तो उसका चीट कोड है 330। तो इन दोनों जेटपैक के बाद बारी आती है अपने इन्फिनिटी हेल्थ के चीट कोड की। अगर आप 9129 डायल करते हो तो आपका इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड एक्टिवेट हो जाता है। ये देखो हो गया, और लिटरली आपको इस गेम में हुआ कोई भी डैमेज असर नहीं करता। तो नेक्स्ट अगर आपको क्रिश की तरह लॉन्ग जंप लगानी है तो आपको बस सिर्फ डायल करना होगा 1215, जिससे आपका एक सुपर जंप का चीट कोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये लगाया सुपर जंप, ओ भाई साहब देखो कितना ही ऊंचाई में गया। और अगर आप कहते हो नहीं यार इसमें मजा नहीं आया, थोड़ा और बड़ा जंप होना चाहिए, तो उसके लिए आपको डायल करना होगा 1216, जिससे आएगा अल्ट्रा सुपर जंप। अब देखना मैजिक, ओ भाई। तो भाई यार इन सब के बाद नेक्स्ट है अपना मून ग्रेविटी का चीट कोड, जिसका चीट कोड है 7112। तो दोबारा 7112 से दोबारा डीएक्टिवेट कर दिया मैंने इसको। तो नेक्स्ट चीट कोड की तरफ मैं आ चुका हूँ रोड पर। यार रोड पर बंदे कुछ कम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए आपको बस डायल करना होगा 12345। 5 तक डायल करोगे तो आपके पास आ जाएंगे मोर NPC, मतलब ये जो सड़क पर बंदे चल रहे हैं ना ये कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप इसी चीट कोड का अपोजिट डायल करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं डायल कर रहा हूँ 54321, ये देखना, तो यहाँ पर अब मोर व्हीकल्स का चीट कोड एक्टिवेट हो जाएगा। भाई सड़क पर जितनी कार चल रही थी ना पहले, उससे थोड़ी बहुत ज्यादा चल जाएंगी। और अब लास्ट अपना सबसे खतरनाक ज़ॉम्बीज़ का चीट कोड 2030। अब देखना भाई इस सिटी के अंदर सारे के सारे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। ये देखो भाई, ओ भाई इतने सारे ज़ॉम्बीज। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको डायल करना होगा 2040। ये डायल करते ही सारे के सारे ज़ॉम्बीज डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 51 डायल करते हो तो आपके पास आता है एक बड़ा सा डायनो, जिसका नाम है T-Rex। अगर तुम लोग यहाँ पर 52 डायल करते हो तो तुम्हारे पास भी एक और डायनासोर आ जाता है, जिसका नाम है स्पाइनो। तो नेक्स्ट डायनो है अपना, अगर आप यहाँ पर 53 डायल करते हो तो आपके पास आता है एक बड़ा सा डायनासोर। भाई साहब ये देखो, लंबी गर्दन वाला जिराफ। यहाँ पर हम लोग भाई साहब अब वाली अपडेट में बोट भी मंगवा सकते हैं। 3001 से आपके पास आ जाएगी यहाँ पर बोट। अगर आप यहाँ पर 9191 डायल करते हो तो भाई अपनी ओल्ड कार वापसी आ गई है। तो फिर बढ़ते हैं आज के हमारे पहले RGS ट्यूज की तरफ, और यहाँ पर आके आप लोगों को लिखना है UI ऑफ। जैसे ही आप लिखोगे UI ऑफ तो होगा एक मैजिक, अब देखना क्या होता है। यस किया, और भाई ये देखो स्क्रीन के सारे जो आइकन्स वगैरह हैं वो सारे के सारे हाइड हो चुके हैं। अगर आप कोई भी स्टोरी वीडियोस बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी यार ये पूरी तरह से हाइड नहीं होते। और अगर आप लोगों को दोबारा से सारे के सारे आइकन्स शो करने हैं तो आप लोगों को दोबारा से जाके लिखना होगा UI ऑन। ये लिखते ही सारे के सारे आइकन्स शो होने लग जाएंगे। अब मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे यूज़ की तरफ। तो इस घर का कलर चेंज करने के लिए आप लोगों को RGS टूल में लिखना होगा हाउस कलर, आगे कुछ भी आप डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाउस कलर, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ब्लू डाल देता हूँ, ठीक है BLUE। अब देखना क्या होगा, पूरा का पूरा घर ब्लू हो जाएगा। ओ भाई भाई भाई, इसी तरीके से जो भी कलर हुआ जो आपका फेवरेट हो वो यहाँ पर रख सकते हो आप लोग। तो भाई यार तीसरे यूज़ के लिए मैं आ चुका हूँ घर के अंदर। अब जो यूज़ होने वाला है ये वाला है, ये देखो यहाँ पर फ़ैन दिखाई दे रहा है ना, इसे मैं ऑन कर दूंगा। आप देखना RGS टूल को ओपन करना है आपको, और यहाँ पर बस आपने लिखना है फ़ैन
ऑन, जैसे ये लिखोगे तो फैन चलने लग जाएगा। और अगर आपको इसको बंद करना हो तो बस सिंपल है, यहाँ पे आके आप लोगों को लिख देना है फैन ऑफ और पंखे को बंद हो जाना है पहली फुर्सत में। तो ओके भाई, नेक्स्ट यूज है RGS टूल का। आप लोगों को ये तो मालूम है कि घर का कलर चेंज हो सकता है, गाड़ियों का कलर चेंज हो सकता है, बट फोन का कलर चेंज हो सकता है कि नहीं? या ऑफकोर्स वो भी बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आपको लिखना होगा फोन कलर, आगे कोई भी कलर डाल सकते हो जैसे उस हाउस की तरह। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रीन कलर, तो यार देखो फोन ग्रीन हो चुका है। और ये देखो अभी यहाँ पर अगर आप ATTACK अटैक डायल करते हो तो आपके पास मतलब के एक अमेजिंग सा मैजिक हो जाएगा भाई। ये देखना अभी हो जाएगा टारगेट मोड ऑन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपको बस यहाँ पर एक डायनो मंगवाना है, यहाँ पर मैं मंगवा लेता हूँ 5-1 से T-Rex मंगवा लेता हूँ भाई साहब, वो भी खतरनाक है यार। फिर उसके बाद आपको अपनी गन निकालनी है, कोई भी गन निकाल के किसी भी NPC को एक गोली मारोगे ना तो अपना डायनो भाई साहब उसे चबाकर खा जाएगा, मतलब मार देगा यार। पर अगर आपको इस टूल को ऑफ करना है तो आपको बस RGS टूल में लिखना होगा अटैक ATTACK अटैक ऑफ लिखना होगा, OFF स्पेस करके ऑफ लिखना होगा, बाकी ये खुद ही ऑटोमेटिक मतलब कि यार ऑफ हो जाएगा। ये देखो टारगेट मोड ऑफ। सो नेक्स्ट यूज के लिए मैं आ चुका हूँ इन कंटेनर्स की तरफ। RGS टूल में जाकर आप लोगों को लिखना होगा रोल ऑन, जैसे ही आप ये लिखोगे ना तो ये रोलिंग होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको इस कंटेनर्स को बंद करना हो रोल ऑफ कर देना, बाकी बंद हो जाएगा अपने आप। बट इसके अंदर एक खास बात ये है कि वो जिस जगह होगा उसी जगह स्टिल हो जाएगा, ये देखना ऑफ हो गया। बाकी यार ये वाला यूज काफी मजेदार और यूजफुल होने वाला है। तो RGS टूल में जाकर आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा SAVE सेव। ये देखो अब यहाँ पर प्लेयर की पोजीशन सेफ हो चुकी है और अब आपको दोबारा से गेम को रिस्टार्ट करना होगा। ओके तो गेम रिस्टार्ट हो चुकी है, तो लोकेशन पर वापस जाने के लिए आप लोगों को RGS टूल में लिखना होगा LOAD लोड। ये लिखते ही आप सीधा पहुंच जाओगे अपनी प्रीवियस लोकेशन पर, ये देखो भाई। सो नेक्स्ट यूज आप लोगों को RGS टूल में लिखना होगा JET जेट। जैसे ही आप लोग जेट लिखोगे तो आसमान में तेज आवाज सी गूंज उठेगी, अब देखना बस थोड़ी देर में जेट आता ही होगा। वो देखो गाइस अपना जेट आ चुका है, वो देखो आसमान में उड़ रहा है। सो RGS टूल में आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पर CAR कार और बिना स्पेस छोड़े BUY लिखना होगा। ये लिखते ही आपके शोरूम में गाड़ियां आ जाएंगी। अरे भाई कहाँ है गाड़ियां? मिस्टर कमरानी ने तो कहा था कि यार ये लिखते ही गाड़ियां आ जाएंगी, लेकिन कहाँ है गाड़ियां? जी भाई बिल्कुल कहा था, और यहाँ तक के गाड़ियां आ भी चुकी हैं, लेकिन शो नहीं हो रही शोरूम में, क्यों? तो इसके लिए आप लोगों को गेम को दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा। ओके गाइस तो फाइनली अपनी गेम रीस्टार्ट हो चुकी है, अब दोबारा से सिंपली तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा लोड, तो आप लोग अपनी लोकेशन पर दोबारा पहुंच जाओगे, वो भी मिनटों में नहीं सेकंडों में। बाकी गाड़ियां देखी आप लोगों ने पीछे। तो ये RGS टूल में ट्राई करने के लिए आ चुका हूं सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर, एक सेकंड, ये बिल्डिंग नहीं है रैंप पे। बाकी अगर आप यहां पे आके RGS टूल में लिखते हो हेलीकॉप्टर HELICOPTER हेलीकॉप्टर, तो ये हेलीकॉप्टर लिखते हो तो आसमान में एक हेलीकॉप्टर स्पॉन हो जाएगा जिस तरीके से वो जेट हो जाता था। ये देखो, ये देखो एक सेकंड तुम लोगों को जूम करके दिखाता हूं स्नाइपर से अपनी, ये किया जूम, ओ दिखा भाई साहब क्या ही हेलीकॉप्टर लग रहा है यार ये। तो गाइस यार ये है हमारा आज का आखिरी यूज जो आप लोग देखोगे। आप यहाँ पर जैसे ही RGS लिखोगे ना तो सामने से आप लोगों को एक हाई लिखा हुआ आएगा। तो फाइटर्स आज की वीडियो में इतना ही, आई होप को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जिस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपके पास ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन फर्स्ट से आती रहे। ताकि मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।